चोल राजवंश। चोल राजवंश शाही चोल राजवंश भारत के इतिहास में सबसे प्रमुख और सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले राजवंशों में से एक था, जिसका कार्यकाल 9 शताब्दी ईस्वी से 13 शताब्दी ईस्वी तक था। चोल राजवंश 9 शताब्दी ईस्वी में सत्ता में आया और 13 शताब्दी ईस्वी तक 400 से अधिक वर्षों तक दक्षिण भारत पर हावी रहा। चोल साम्राज्य वर्तमान तमिलनाडु और दक्षिणी भारत के कुछ हिस्सों में स्थित था और इसका क्षेत्र के सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक परिदृश्य पर गहरा प्रभाव था। ये राजवंश कला, वास्तुकला, साहित्य और समुद्री व्यापार में अपनी उपलब्धियों के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है, जो इसे प्राचीन भारत के सबसे महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और आर्थिक केंद्रों में से एक बनाता है। चोल वंश के संस्थापक। शाही चोल राजवंश की स्थापना 9 शताब्दी ईस्वी में विजयालय चोल ने की थी। वह पल्लव राजवंश का सामंत था और शुरू में उसने वर्तमान भारत के तमिलनाडु में एक छोटे से क्षेत्र पर शासन किया था। हालांकि उन्होंने धीरे धीरे पड़ोसी क्षेत्रों पर विजय प्राप्त करके अपने राज्य का विस्तार किया और चोल राजवंश को दक्षिण भारत में एक प्रमुख शक्ति के रूप में स्थापित किया। विजयालय चोल का उत्तराधिकारी उसका पुत्र आदित्य प्रथम था, जिसने चोल साम्राज्य का और विस्तार किया और उसकी शक्ति को मजबूत किया। चोल राजवंश दक्षिण भारत में सबसे शक्तिशाली और प्रभावशाली राजवंशों में से एक बन गया और इसके शासनकाल को तमिलनाडु के इतिहास में स्वर्ण युग माना जाता है। चोल राजवंश वंश वृक्ष। विजयालय चोल 850-871। चोल वंश के संस्थापक आदित्य प्रथम 871-907 विजयालय चोल का पुत्र और चोल वंश का दूसरा राजा। परांतक प्रथम 907-950 आदित्य प्रथम का पुत्र और चोल वंश का तीसरा राजा। गंडारादित्य 950-957 परांतक प्रथम का पुत्र और चोल वंश का चौथा राजा। अरिंजय 957-1014 गंधारादित्य के पुत्र और चोल वंश के पांचवे राजा। राजराजा चोल प्रथम 1014-1044 अरिंजय के पुत्र और चोल वंश के महानतम राजाओं में से। राजेंद्र चोल प्रथम 1012-1044 राजराजा चोल प्रथम के पुत्र और चोल वंश के सबसे सफल राजाओं में से। राजाधिराज चोल 1044-1052 राजेंद्र चोल प्रथम के पुत्र और चोल वंश के आठवें राजा। वीरराजेंद्र चोल 1063-1070 राजेंद्र चोल प्रथम के पुत्र और चोल वंश के अंतिम राजा। ये ध्यान देने योग्य है कि चोल राजवंश में कई अन्य सदस्य थे जिन्होंने प्रशासक, सेनापति और राजनयिक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई, लेकिन यह वंश वृक्ष राजाओं के उत्तराधिकार को कवर करता है। विजयालय चोल 850E-871E विजयालय चोल शाही चोल राजवंश के संस्थापक थे और उन्होंने 9 शताब्दी ईस्वी में तंजावुर से शासन किया था। वह एक महान योद्धा था जिसने पल्लवों को हराया और अपना राज्य स्थापित किया। उन्हें तंजावुर शहर में पहला मंदिर बनाने का श्रेय भी दिया जाता है, जो चोल राजवंश का राजनीतिक और सांस्कृतिक केंद्र बन गया था। विजयालय चोल ने चोल साम्राज्य की नींव रखी, जो आगे चलकर दक्षिण भारत के सबसे प्रमुख राजवंशों में से एक बन गया। चोल राजवंश की राजधानी। शाही चोल राजवंश की अपने शासनकाल के दौरान कई राजधानियां थीं, लेकिन इनमें से सबसे प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण तंजावुर, तंजौर के नाम से भी जाना जाता था, थी, जो राजराजा चोल प्रथम और उनके पुत्र राजेंद्र चोल प्रथम के शासनकाल के दौरान राजधानी के रूप में कार्य करती थी। तंजावुर वर्तमान तमिलनाडु, भारत में स्थित था और चोल काल के दौरान तमिल संस्कृति और कला का एक प्रमुख केंद्र था। चोल राजाओं ने तंजावुर और उसके आसपास कई शानदार मंदिरों और महलों का निर्माण किया, जिसमें प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर भी शामिल है, जो अब यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है। पास की कावेरी नदी पर एक हलचल भरे बंदरगाह के साथ ये शहर व्यापार और वाणिज्य का भी एक महत्वपूर्ण केंद्र था। चोल राजवंश के पतन के बाद भी तंजावुर एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और राजनीतिक केंद्र बना रहा और यह आज भी भारत में एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल बना हुआ है। 9वीं शताब्दी से लेकर 13वीं शताब्दी तक तमिल चोल राजवंश का दक्षिणी भारत पर प्रभुत्व रहा। यद्यपि इतिहासकार चोल राजवंश की सटीक लंबाई पर असहमत है, लेकिन यह व्यापक रूप से सहमत है कि यह 9 शताब्दी ईस्वी से विजयालय चोल के शासन के दौरान 13 शताब्दी ईस्वी में पांड्य राजवंश द्वारा राजेंद्र चोल 3 की हार तक चला। इसलिए चोल राजवंश का शासनकाल लगभग 9वीं शताब्दी ईपू से 13वीं शताब्दी ईपू तक चला। चोल राजवंश मंदिर। चोल राजवंश अपनी स्थापत्य उपलब्धियों, विशेषकर अपने भव्य मंदिर भवनों के लिए प्रसिद्ध है। चोल राजवंश के दौरान निर्मित कुछ सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में शामिल हैं। तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर 11 शताब्दी ईस्वी में चोल राजा राजा प्रथम द्वारा निर्मित
यह मंदिर 66 मीटर ऊंचे विशाल विमान या टॉवर के साथ भारत के सबसे बड़े और सबसे प्रभावशाली मंदिरों में से एक है। दारासुरम में ऐरावतेश्वर मंदिर 12 शताब्दी ईस्वी में चोल राजा राजराजा द्वितीय द्वारा निर्मित, यह मंदिर एक आश्चर्यजनक नंदी बैल सहित अपनी जटिल नक्काशी और मूर्तियों के लिए जाना जाता है। गंगईकोंडा चोलपुरम मंदिर 11 शताब्दी ईस्वी में चोल राजा राजेंद्र चोल प्रथम द्वारा निर्मित, यह मंदिर अपने विशाल विमान और जटिल नक्काशीदार पत्थर की दीवारों के लिए जाना जाता है। चिदंबरम में थिल्लई नटराज मंदिर भगवान शिव को समर्पित एक प्राचीन मंदिर, जिसे कई चोल राजाओं द्वारा संरक्षण और विस्तार दिया गया था। कांचीपुरम में कैलासनाथर मंदिर 8 शताब्दी ईस्वी में चोल राजा राजसिम्हा द्वारा निर्मित, यह मंदिर अपनी विस्तृत नक्काशी और मूर्तियों के लिए जाना जाता है। ये मंदिर न केवल महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है बल्कि यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भी है, जो हर साल दुनिया भर से लाखों पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। यूपीएससी परीक्षा के लिए चोल राजवंश। चोल राजवंश यूपीएससी परीक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण विषय है क्योंकि ये प्राचीन भारत के सबसे प्रमुख राजवंशों में से एक था। यूपीएससी परीक्षा के लिए चोल राजवंश का अध्ययन करते समय ध्यान रखने योग्य कुछ महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ दिए गए हैं। चोल राजवंश की उत्पत्ति और विस्तार। चोल राजवंश की उत्पत्ति दक्षिणी भारत के तमिल क्षेत्र में हुई और 9 शताब्दी ईस्वी के दौरान प्रमुखता से उभरी। इसने कई विजयों के माध्यम से अपने क्षेत्र का विस्तार किया और एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की, जिसमें दक्षिण भारत, श्रीलंका और दक्षिण पूर्व एशिया के अधिकांश हिस्से शामिल थे। प्रशासनिक व्यवस्था। चोल राजवंश अपनी अत्यधिक कुशल प्रशासनिक व्यवस्था के लिए जाना जाता है, जो अधिकारियों के पदानुक्रम और राजस्व संग्रह की एक सुव्यवस्थित प्रणाली पर आधारित थी। चोलों ने कानूनी और न्यायिक प्रणालियों में भी कई सुधार किए, जिनका दक्षिण भारत के प्रशासन पर स्थायी प्रभाव पड़ा। आर्थिक उपलब्धियां। चोल राजवंश अपनी आर्थिक समृद्धि और समुद्री व्यापार के लिए जाना जाता था। इसमें बंदरगाहों और व्यापार मार्गों की एक अच्छी तरह से विकसित प्रणाली थी, जो दुनिया के अन्य क्षेत्रों के साथ वस्तुओं और विचारों के आदान प्रदान की सुविधा प्रदान करती थी। सांस्कृतिक और कलात्मक उपलब्धियां। चोल राजवंश कला, साहित्य और वास्तुकला का संरक्षक था। यह अपने शानदार मंदिर वास्तुकला के लिए जाना जाता है, जो चोल की धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यताओं को दर्शाता है। चोलों ने तमिल साहित्य और संगीत में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। पतन और विरासत। 13 शताब्दी ई में चोल राजवंश का पतन आंशिक रूप से पांड्यों और चालुक्यों के आक्रमण के कारण हुआ। हालांकि इसकी विरासत आने वाली सदियों तक दक्षिण भारत को प्रभावित करती रही और चोल राजाओं को प्राचीन भारत के कुछ महानतम शासकों के रूप में याद किया जाता है।